अरे अरे, कहाँ अंदर घुसी आ रही है? काम वाली है क्या? नहीं तो, अगर तू काम वाली नहीं है तो कौन है? क्या चाहिए तुझे? वो मैं इस पीजी में नहीं आई हूँ। पीजी में नहीं आई है? ठीक है, एक काम कर, नीचे वाला फ्लैट खाली है, वहाँ जाके रह ले। पर पीजी वार्डन ने तो कहा है कि हर्षिता और कनिष्का के साथ ही रहना है। आप दोनों वही हो ना? हाँ, हम वही है, लेकिन तू यहाँ नहीं रह सकती। पर क्यों, वार्डन ने तो यहीं कहा है। देख, वार्डन ने जो भी कहा, लेकिन तू हमारे साथ नहीं रह सकती। पर क्यों? और मैं तो इस जगह का रेंट भी दे चुकी हूँ। रेंट दे दिया तो क्या हुआ, वापिस ले ले। और हम नहीं चाहते कि तुझ जैसी काली पीली लड़की के साथ रहे। देखिए, आप दोनों किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं, हमारी मर्जी, हमारा मुंह है। देख, दिमाग खराब मत कर, निकल यहाँ से। मैं तो यहीं रहूँगी, मैंने इस जगह का रेंट दिया है। अगर आप लोगों को इस चीज़ से दिक्कत है तो आप पीजी वार्डन से बात कर लीजिए। कितनी बदतमीज लड़की है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। यार तू सही कह रही है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये अपने आप ये फ्लैट छोड़ के चली जाए। बस बहुत हो गया इसका, अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। यार तू कह तो सही रही है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इस पूरे घर का काम इससे करवाए और उसके बाद इस पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे, ये अपने आप घर से भाग जाएगी। प्लान तो मस्त है तेरा। ओए इधर आ। क्या हुआ? देख, अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो तुझे घर का काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? ये ले झाड़ू, पूरे घर में सफाई कर और उसके बाद पोछा मारियो, और जब दोनों काम हो जाए ना, फिर बर्तन धो दियो। पर इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? आप लोग हेल्प कीजिए। हम क्यों हेल्प करेंगे, तुझे ही करना पड़ेगा। और वैसे भी काम करने की बारी तेरी है, हमारी नहीं। पर वार्डन ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हम बता रहे हैं ना, तो तुझे करना पड़ेगा। चल अब ज़्यादा मुँह मत चला, अपने काम पे लग जा। सुन, इतने दिन से हमने इसको बहुत परेशान कर लिया, अब इसको निकाल देते हैं, तू क्या सोचती है? कह तो तू सही रही है, वैसे मैंने तुझे आइडिया दिया था ना, इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। देख देख, आ गई, तू जल्दी से एक्टिंग स्टार्ट कर दे। रो मत यार। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? एक तो तूने इसके पैसे चुरा लिए, ऊपर से शरीफ बनने का नाटक कर रही है। मैंने चोरी? और नहीं तो क्या, तेरे अलावा और कौन चुराएगा इस घर में पैसे? चुपचाप से इसके पैसे दे दे, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। पर मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, पुलिस इससे पैसे निकलवाएगी। आप दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं सच कह रही हूँ। तेरा सच सब पता है हमें। देख, अगर तू नहीं चाहती ना कि पुलिस तुझे इस घर से घसीटते हुए लेके जाए, तो चुपचाप तू अपने आप ही घर छोड़ के चली जाओ। लेकिन मैं... सुन, सोच ले, तेरी बहुत इंसल्ट होगी सबके सामने। पर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सही में कोई पैसे नहीं चुराए हैं। बस बहुत हुआ, हमें नहीं चाहिए तू जैसी चोर हमारे घर में। निकल यहाँ से। और ये ले तेरा बैग, आज तो मजा ही आ गया। हाँ यार, अब रोज रोज ये काली शक्ल देखने को तो नहीं मिलेगी। चल। मैम, मैं कम इन। मैम, आपने हमें इस टेंडर के लिए बुलाया, उसके लिए रियली थैंक यू। जी मैम। मैम, आप इस कंपनी की सीईओ हैं। क्यों, तुम दोनों को यकीन नहीं हो रहा? नहीं मैम, हम तो इस बात से बहुत हैप्पी है। हाँ मैम, आप ही इस कंपनी की सीईओ हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और हमारी रूममेट हमें टेंडर देगी, दैट विल बी मोर ग्रेटफुल फॉर अस मैम। थैंक यू सो मच मैम। अरे अरे रुक जाओ, मैं तुम लोगों की आज फाइल चेक कर रही थी, और आज तुम दोनों को यहाँ बुलाने का रीज़न यही था, ताकि मैं तुम दोनों को तुम्हारी गलतियों का एहसास दिला सकूँ। मतलब मैम? हाँ मैम, हम कुछ समझे नहीं। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, उस गलती की सज़ा देने के लिए मैंने तुम यहाँ नहीं बुलाया। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सारे लोगों से फर्जी तरीके से टेंडर्स लिए हैं और जनता के पैसे खाए हैं, उन्हें फेक प्रोडक्ट्स दिए हैं। ये पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, ये पैसा उन लोगों का है जो टैक्स भरते हैं, और तुम लोगों ने उन्हीं का पैसा चुराया। तुम लोगों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, जेल जाना होगा तुमको, पुलिस आती ही होगी। आई एम सो सॉरी मैम। यस मैम, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे सॉरी बोल के क्या फायदा? ये जो सजा मिल रही है ना तुम्हें, ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है। लो आ गई तुम्हारी बारात, आज के बाद तुम दोनों किसी के साथ भी गलत नहीं करोगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए सभी के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।